हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फोटेक एंड रिसर्च। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लॉन्ग क्वेश्चन का सलूशन। ठीक है, तो ये मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, पूरा सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन पहले ही सॉल्व करा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में क्या है उसका लिंक है। ठीक है, प्लेलिस्ट की। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, वेरियस न्यूट्रलाइजेशन कर्व ऑफ एसिड बेस्ड टाइटेशन। ठीक है, तो ये देखो क्या है, ये जो लेक्चर है ना काफ़ी लेंदी है। ठीक है, मतलब कि लेंदी रहेगा, पर आप लोग को पूरा देखना है अच्छे से, आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, आता भी क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, पर थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप लोग पूरा एंड तक वीडियो को देखिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ मेरी जो प्लेलिस्ट की लिंक है उसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है, काफ़ी हेल्प मिलेगी आप लोग की। ठीक है, तो आप हम लोग चलिए शुरू करते हैं, डिस्कस वेरियस न्यूट्रलाइजेशन कर्व ऑफ एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन क्या कर्व क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन कर्व इज आल्सो नोन एज टाइट्रेशन कर्व। ठीक है, इन अ टाइट्रेशन कर्व अ ग्राफ प्लॉट बिटवीन पीएच ऑफ एनालाइट एंड टाइट्रेंट वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एड। ठीक है, तो देखो क्या ये टाइट्रेंट है। ठीक है, इसमें कितना वॉल्यूम ऐड किया जा रहा है और जिसके पीएच, मतलब जो पीएच इसके अंदर चेंज हो रहा है, इन दोनों के बीच के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं। ठीक है, तो इसी को जो हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं उसी कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन कर्व। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कैसे होता है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन कर्व। ठीक है, एट द इक्वेलेंस पॉइंट इज रीच द टाइट्रेशन देयर इज रैपिड चेंज। मतलब क्या हो, जैसे ही हम लोग एंड पॉइंट, हम लोग इक्वेलेंट पॉइंट पहुंचेगा, उसके बाद क्या होगा, बहुत जल्दी से पीएच के अंदर रैपिड चेंज आता है। ठीक है, तो देखो आप कुछ पहले हम लोग ये टॉपिक पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ चीज़ें हम लोग को क्या करनी है, ध्यान देनी है। ठीक है, हम लोग कुछ टर्म्स पहले पढ़ लेते हैं तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी आगे जो हम लोग का आने वाला लेक्चर है। ठीक है, उसमें तो हम लोग क्या पहले पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या हो गया, समझे कि नहीं, मैं बताता हूँ आप लोग स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या हुआ। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या हुआ, अगर देखो HCl है, ठीक है ना, ये क्या है HCl, ये अगर हम लोग को क्या हुआ, हम लोग डिजॉल्व किए H+ और Cl- में, ठीक है, टूट गए, ये अगर कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, इसका डिसोसिएशन जो होता है कम्प्लीटली हो जाता है, तो ये क्या होता है, स्ट्रांग एसिड होता है। तो आप सिंपल अगर स्ट्रांग एसिड की बात आ गई तो आप लोग को HCl तुरंत याद कर लेना है। ठीक है, और क्या हो गया दूसरा, क्या है वीक एसिड। वीक एसिड क्या होता है, वो क्या होता है, कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, मतलब कि क्या CH3COH। ठीक है, और क्या होता है, और क्या होगा, ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। ठीक है, तो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, देखो CH3COH- क्या हो गया, H+। ठीक है, तो क्या होगा, ये टूटेगा, पर क्या होगा, इसके कुछ जो रहेंगे ऐसे ही खड़ा का खड़ा इसमें पड़ा रहेगा, ये क्या होगा, पूरे तरीके से क्या होगा, डिसोसिएट नहीं होगा। तो क्या इसको इसी कहेंगे, क्या होगा, वीक एसिड। ठीक है ना, और जो स्ट्रांग एसिड होता है वो क्या होता है, पूरे कम्प्लीटली डिसोसिएट होता है। मतलब एग्जांपल के थ्रू आप लोग समझ लीजिए, क्या हुआ, इसमें मैं डाला HCl, ये क्या हुआ, 10 HCl डाला, ये पूरा टूट गया, इसके अंदर डाला, ये क्या हुआ सिर्फ 3 ही टूटा, 7 नहीं टूटा, ये क्या वीक है, जो नहीं टूट पा रहा है, पूरे कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा है, तो मतलब क्या हुआ, वो वीक है। ठीक है, तो आप लोग तुरंत, वीक एसिड की बात हो रही है तो आप लोग इसको तुरंत याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, देयर इज कम्प्लीट डिसोसिएशन वेन वाटर, मतलब कि हम लोग जब बेस को क्या करें, वाटर में डालेंगे। ठीक, बेस को अगर वाटर हम लोग डालें तो NaOH को क्या होगा, ये पूरा कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। इसी तरीके जो वीक बेस रहेगा ना, वो क्या होगा, कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, जो वीक बेस रहता है वो क्या होता है, कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। वीक बेस आर जो डू नॉट कम्प्लीटली डिसोसिएट, मतलब क्या होगा, अगर हम लोग इसको वाटर में डालें तो ये देखो टूटेगा, पर इसके कुछ जो पार्टिकल लगे ये पूरा अगर टूटेगा नहीं, वो क्या होगा, पूरा वैसे के वैसे इसमें पड़ा रहेगा। ठीक है, अब देखो न्यूट्रल साल्ट क्या होता है, न्यूट्रल साल्ट क्या होता है, न्यूट्रल साल्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ एसिड, क्या होगा, किसका प्रोडक्ट होता है, ऑफ एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन। ठीक है, पीएच जो इसका रहता है न्यूट्रल साल्ट का कितना रहता है, 7 रहता है। ठीक है, तो क्या रहेगा, पहले देखो क्या, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl हो गया। ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो गया, NaOH, अभी को NaOH स्ट्रॉन्ग बेस से मान लो पढ़े थे ना, यहाँ पे देखो, तो क्या इन दोनों का प्रोडक्ट जो निकलेगा उसको कहेंगे न्यूट्रल साल्ट। तो इसका निकलेगा तो क्या होगा, ये H+ Cl नेगेटिव, क्या होगा, OH- और NH+। तब इसका देखो करेंगे तो क्या बनेगा, ये देखो NaCl बन गया, क्या होगा, Na+CCl, Na+- आ गया, और क्या होगा, ये देखो OH और H मिलेगा तो क्या बनेगा, H2O बन जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया, इसका क्या हो गया, न्यूट्रल साल्ट। ठीक है, अब देखो क्या है, एसिडिक साल्ट क्या होता है। ठीक है, एसिडिक साल्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ किसका होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एंड वीक बेस का, मतलब कि होगा, एक रहेगा स्ट्रॉन्ग एसिड और एक रहेगा वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl होगा, वीक बेस क्या होगा, NH4OH। ठीक है,
तो क्या होगी, इन दोनों से निकालोगे तो क्या बनेगा, NH4 अमोनियम क्लोराइड और H2O बन जाएगा, ठीक है। तो इसका जो pH रहेगा वो कितना रहेगा, वो 7 से कम रहेगा, ठीक है। ये pH वाली बात ध्यान रखना कि कभी आगे आके हम लोग इसका हम लोग को देखेंगे, ठीक है। बेसिक साल्ट क्या होता है, द बेसिक साल्ट इज प्रोड्यूस्ड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ किसका होता है, स्ट्रॉन्ग बेस का प्रोडक्ट होता है एंड वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो गया CH3COH और वीक एसिड क्या हो गया NaOH, ठीक है। तो जब इसका बनेगा तो क्या होगा, ये बन जाएगा और भी वाटर बन जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। क्लासिफिकेशन कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं, एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस, वीक एसिड वर्सेस वीक बेस, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या न्यूट्रलाइजेशन करो। अब देखो अब हम लोग की मेन टॉपिक जो है अब शुरू हुई है, ठीक है। इसके पहले अभी क्या था, हम लोग को थोड़ा सा मैं उसके आप लोग को डिटेल बता रहा था इसके पहले, ठीक। अब जाके हम लोग की टॉपिक शुरू हुई है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होता है, देखो क्या होगा, अब देखो मैं आप लोग को समझाता हूँ, ठीक है। जैसे क्या है ना, हम लोग क्या किए, इसके अंदर से हम लोग क्या डाले, हम लोग अब देखो जो पहले एक बात और ध्यान ले लो, यहाँ पे जो पहले लिखा है ना वो क्या होता है, एनालाइट होता है, ये होता है टाइटन। तो इसमें एनालाइट क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो एनालाइट है, मतलब हम लोग को नीचे जो रहेगा स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब HCl डालेंगे, और टाइटन में क्या डालेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे, ठीक है। जो पहले लिखा है तो वो एनालाइट होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, हम लोग इसको ऐड करते इसके अंदर चले जाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। तो क्या होगा, ये बेसिक से बेस है, इधर बेस है, इधर क्या है, एसिड है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसको ऐड करेंगे तो बेस को ऐड करेंगे तो इसका क्या होगा, इसकी बेसिसिटी बढ़ेगी। एक समय ऐसा आएगा कि दोनों क्या होगा, एसिड और बेस, नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड, नंबर ऑफ मोल ऑफ बेस क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब इक्वल हो जाएंगे तो उसको कहेंगे इक्वेलेंट पॉइंट। फिर उसके बाद हम लोग बेस मिलाएंगे, तुरंत क्या होगा, जो एसिड रहेगा वो बेस की प्रॉपर्टी मतलब एसिड से किस में कन्वर्ट होने लगेगा, बेस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या, जब ये कन्वर्ट होगा, जैसे एसिड से बेस में कन्वर्ट होगा, तो उसके बाद इसका मतलब उसी टाइम पे हम लोग का एंड पॉइंट आएगा, और क्या होगा, ये अपना जो इंडिकेटर इसके अंदर आएगा वो क्या होगा, कलर शो कर देगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग कैसे कैसे हम लोग इसका करेंगे। जब हम लोग देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब इसका pH हम लोग को बताना है, हाँ, हम लोग कितना वॉल्यूम ऐड करें, ठीक है। तो पहले इसका pH कितना रहेगा, जब कुछ मतलब NaOH हम लोग मिलाए नहीं तो कितना रहेगा pH, इसका NaOH नहीं मिलाया तो स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब pH 1 के पास रहेगा, यहाँ पे हम लोग का 1 pH होगा, ठीक है। अब तो अभी वैल्यूम ऐड नहीं किया तो वैल्यूम 0 पे है, ठीक है। अब क्या किया, थोड़ा सा वैल्यूम ऐड किए तो इसका pH क्या होगा, थोड़ा सा क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब कि एसिड था वो क्या होगा, बेसिक की तरफ जाएगा, तो बेसिक इधर ही होता है ना, तो उधर गया। तो मान लो कि कुछ दूर हम लोग ऐड किए तो क्या होगा, इसका pH कहाँ पे आया, यहाँ पे समझ लो आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे इसका pH आ गया, ठीक है। फिर जब कुछ देर और हम लोग इसको बेस को ऐसे ऐसे गिराते चले गए तो इसका pH क्या होगा, और जाएगा तो कहाँ पे जाएगा, इसका pH 7 पे जाएगा, 7 पे इसकी क्या आएगा, इक्वेलेंट पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसका pH होगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा मिलाएंगे तो क्या होगा, ये एसिड से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, बेस में, देखो मतलब 7 में गया, उसके और ज़्यादा मिला देखा होगा बेस में कन्वर्ट हो गया, तो पॉइंट नंबर 4। तो हम लोग को क्या, ऐसे ही हम लोग का 4 पॉइंट मिलेगा, जब 4 पॉइंट मिलाएंगे तो उसका एक कर्व मिलेगा, तो इसी को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन कर्व। अब ये किसका न्यूट्रलाइजेशन कर रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेज स्ट्रॉन्ग बेस का, ठीक है। अब देखो वही चीज़ हम लोग को, जो मैं अभी को बताया हूँ आप लोग को, वही चीज़ हम लोग को इसमें पॉइंट में लिखी गई है, ठीक है। देखो पॉइंट नंबर 1 में क्या, नो NaOH इज एडेड, ठीक है, इन HCl, हाँ। पॉइंट नंबर 2 में क्या, ये जस्ट बिफोर इक्वेलेंट पॉइंट, इक्वेलेंट पॉइंट मिलने से पहले हम लोग को ये पॉइंट रहता है, ये क्या हुआ। पॉइंट नंबर 3 क्या, NaOH मतलब इक्वेलेंट पॉइंट, इक्वेलेंट पॉइंट मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH इज इक्वल टू मोल ऑफ HCl, जो रहेंगे बराबर रहेंगे, ठीक है, ठीक है। अब क्या हो गया, फिर चौथे पॉइंट में क्या, NaOH कंटिन्यू करते हैं तो जो pH रहेगा वो बेसिक हो जाएगा, ठीक है, बेसिक हो जाएगा। तो यही सारी चीज़ मैंने आपको अभी को बताया, तो यही चीज़ हम लोग का इसमें लिखी है। तो आप लोग को आई थिंक अच्छे से समझ में आएगा कि मैं अभी को क्या बताया था आप लोग को, वही चीज़ आप लोग को यहीं पर हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा वाला क्या है, वीक एसिड वर्सेज स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड मतलब क्या, ये एनालाइड क्या है, वीक एसिड मतलब इसके अंदर क्या है, वीक एसिड है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बेस मतलब इसके अंदर क्या है, HCl है, ठीक है। तो हम, मैं पहले ही आप लोगों को बोला था कि आप चारों याद कर लीजिए, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, ठीक है। तो मतलब मैं आप लोग पहले ही बोल दिया था कि आप लोग को याद कर लिए तो क्या होगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो क्या, हम लोग एज्यूम करते हैं, आप देखो एसिटिक एसिड है, क्या, जो कि वीक एसिड है, ठीक है।
और स्ट्रॉन्ग एसिड के स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखो जब मतलब इसके अंदर क्या रहेगा, एसिटिक एसिड, हाँ इसके अंदर क्या रहेगा, बेस रहेगा स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब NaOH रहेगा। तो जब हम लोग पहले pH जब शुरू करेंगे तो जब इसमें ऐड नहीं करेंगे तब भी उसका वीक है, वीक एसिड मतलब देखो यार तुम लोग एक इतना समझो कि जैसे कि स्ट्रॉन्ग मतलब कि एक पे रहेगा, एक से लेकर 14 तक होता है ना, तो मतलब क्या होगा वीक रहेगा, तो मतलब ये न्यूट्रल की तरफ जाएगा तो वीक होता चला जाएगा, जितना इधर आएगा इतना स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब मान लो कि इधर 2 या 3 के पास रहेगा, तो ठीक हम लोग यहाँ पे एक मत कि 2 और 4 के बीच में एक पॉइंट बना लो कि यहाँ से शुरुआत हुआ, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ बना लिए, फिर कुछ दूर और हम लोग ऐड करते चले गए, इसके अंदर हम लोग ऐड करते चले गए NaOH ऐड करते चले गए, तो क्या होगा ये थोड़ा सा pH आएगा, तो हम लोग उसको 2 पॉइंट पर बना लेके उसको ऐसे करके हम लोग प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। फिर अब जब तीसरे आएगा तो क्या हो जाएगा, जो pH रहेगा वो क्या हो जाएगा, ये 7 से ज़्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 से ज़्यादा हो जाएगा, और कहाँ पे आएगा करीब करीब 8 और 10 के बीच में आएगा, तो ये हम लोग का यहाँ pH आएगा। उसको और ऐड करेंगे तो और क्या हो जाएगा, ये और ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस मतलब और ऊपर तक जाएगा इसका pH, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो pH आया है वो क्यों हम लोग का 7 से ज़्यादा हो गया, ठीक है। तब जब हम लोग वीक एसिड ऐड किए, वीक एसिड मतलब क्या हो, एसिटिक एसिड CH3COOH हो गया, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो गया NaOH, ठीक है स्ट्रॉन्ग बेस। तो जब हम लोग इन दोनों का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, देखो एसिटिक एसिड और NaOH के जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, हम लोग का बेसिक साल्ट बनेगा, क्या बनेगा बेसिक साल्ट, क्या बनेगा CH3COOH, मतलब देखो माइनस प्लस माइनस और ये प्लस, ठीक है। जब हम लोग का ये बनेगा तो क्या होगा, देखो सोडियम और ये जाके मिल जाएगा और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे H2O मतलब वाटर बना लेंगे, ठीक है। ये क्या बनेगा, ये बेसिक साल्ट बनेगा। जब फिर बेसिक साल्ट का डिसोसिएशन होगा तो क्या बनेगा, ये माइनस और ये प्लस इसमें टूट जाएंगे, तो क्या होगा ये देखो CH3COOH माइनस प्लस Na प्लस, ठीक है। अब क्या होगा, देखो अब जो ये CH3COO है ये माइनस वाला ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, क्या वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा ये। अब देखो वाटर के अंदर क्या रहेगा, वाटर है H2O, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिखते हैं ना OH प्लस और H, तो अब इन दोनों को मिला ही ना वाटर बनता है, तो जो इसका प्लस और ये माइनस है ना, ठीक है। अब क्या होगा, जो यहाँ माइनस है और ये प्लस है, जो प्लस वाला रहेगा ये H आके इसके अंदर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा CH3COOH बन जाएगा, ठीक है। और जो ये OH माइनस बचा है, जो एस प्लस टूट गया एस माइनस OH बचा है, तो OH जो होता है क्या होगा इसकी बेसिसिटी को क्या इंक्रीज करेगा, क्योंकि आर्गेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, जो H प्लस होता है वो एसिडिटी को बढ़ाता है और OH माइनस जो होता है वो क्या होता है बेसिसिटी को बढ़ाता है। तो इसी कारण से जो OH जो ये हम लोग का फ्री फॉर्म में यही एसिड को बढ़ाएगा, और इसी तरीके से हम लोग का जो pH रहेगा वो 7 से ज़्यादा हो जाएगा। आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ये जैसे मतलब पूरा फिगर बना के, तो वही चीज़ हम लोग को देखो पॉइंट भी लिखे हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया आप लोग इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या है इसका अगला, देखते हैं क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। मैंने पहले बताया था क्या होता जो एनालाइट होगा क्या होगा, पहले लिखा जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और क्या इसमें अंदर क्या है वीक बेस है, ठीक है। अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है HCl है, और वीक बेस क्या है NH4OH, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्लॉट करेंगे, तो पहला देखो पहला पॉइंट में हम लोग कुछ नहीं ऐड करते हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं बिना ऐड किए रहते हैं, ठीक है। तो पहले क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब इसका पीएच यहाँ पर करीब करीब एक के पास रहेगा, ठीक है, और देखो और वर्सेस क्या है वीक बेस। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो इसका अब हम लोग देखते हैं कि कैसे होता है, फिर उसके बाद हम लोग दूसरे पॉइंट लेंगे तो क्या होगा इसका इक्विवेलेंट पॉइंट जो आएगा दूसरा पॉइंट आएगा तो यहाँ पे करीब करीब आएगा, ठीक है, तो ये हम लोग का आएगा। और जो तीसरा पॉइंट आएगा ये क्या होगा 7 से नीचे इसका पीएच रहेगा, क्या रहेगा 7 से नीचे ही रहेगा। अब क्यों इसका पीएच जो है 7 से नीचे रह गया है, उसका क्यों 7 से पीएच जो पीएच था वो 7 से ज़्यादा चल गया था, ठीक है। इसमें देखो किसके बीच में स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब HCl, वीक बेस मतलब वीक बेस क्या हो गया वीक बेस NH4OH, ठीक है। तो अब HCl और NH4OH से हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये क्या हो गया नेगेटिव और ये क्या हो गया पॉजिटिव, ठीक है। अब हम लोग क्या बना NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, जब इन दोनों को मिलकर बना गया अमोनियम क्लोराइड बन गया और ये क्या बन गया वाटर बन गया, ठीक है।
फिर जब ये ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा, ये Cl नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनाएगा हम लोग को, फिर जो NH4 रहेगा किससे बनाएगा, वाटर से क्या बनाएगा, अब रिएक्शन करेगा किससे करेगा, NH4 जो बचा है ये पॉजिटिव वाला, वो क्या करेगा वाटर से रिएक्शन करेगा। तो वाटर में अंदर भी क्या रहता है, दो चीज़ रहता है, ठीक है। जो वाटर से रिएक्शन करेगा मतलब क्या, वाटर के अंदर OH और प्लस H रहता है, ठीक है। अब देखो क्या करेगा, जो NH4 है ये क्या पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा माइनस के साथ क्या करेगा, ये बॉन्ड बना लेगा। तो बॉन्ड बना के क्या बना लेगा, क्या बनाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्सिल बना रहे, ठीक है। NH4OH बना लेगा, ठीक है। और जो H पॉजिटिव रहेगा वो क्या करेगा, फ्री रहेगा। और जब H पॉजिटिव क्या करेगा, इसके क्या करेगा, एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। एसिडिटी इंक्रीज करेगा मतलब क्या है, एसिडिटी मतलब एक से लेकर सात pH रहेगा, तो pH जो रहेगा वो सात से नीचे ही रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, pH जो इसका रहेगा, जो इसलिए जो इक्विवेलेंट पॉइंट आ रहा है इसका, कहाँ पर रहेगा, सात से नीचे आएगा। फिर और थोड़ा सा ऐड करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, पर कितना, ये वीक बेस है ना, तो ज़्यादा इसका pH बढ़ा नहीं पाएगा, थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग को हो गया, हम लोग का ये वाला कंडीशन जो है, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेज वीक बेस वाली कंडीशन, जो कि आप लोग पॉइंट लिखा, आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब एक कंडीशन और इसमें बची है, वो क्या बची है, वीक एसिड वर्सेज वीक बेस टाइट्रेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हम लोग का एनालाइज, देखो वीक एसिड मैं पहले बता, वीक एसिड इसमें वीक एसिड रहेगा और ऊपर वाले में क्या रहेगा, वीक बेस रहेगा, तो मतलब दोनों वीक हैं, ठीक है। तो अब हम लोग का देखो क्या रहेगा, तो वीक है तो मतलब क्या होगी, एक एक तो एक के पास रहेगा ना, तीन उनके पास रहेगा पहला, ठीक है। और जो इसका इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा ये क्या आएगा, सात के पास आएगा, कहाँ आएगा, सात पर आएगा, न्यूट्रल आएगा, ठीक है। और ये वीक बेस है तो मतलब ज़्यादा ऊपर भी नहीं जा पाएगा, तो मतलब यहीं पर आएगा, तो मतलब ये क्या होगा, छोटा सा कर्व बनेगा, क्योंकि मतलब कि देखो वीक एसिड भी है तो वीक एसिड मतलब कि बीच में तीन चार के पास रहेगा, और वीक बेस है मतलब कि दस बारह के बीच में रहेगा, और जो इसका पीएच रहेगा वो क्या रहेगा, सात के आसपास रहेगा। तो आई थिंक आप लोग को ये समझ में आएगा, तो आप लोग को चारों जो कर्व है या आप लोग बना बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा और आप लोग को एग्ज़ाम में लिख लीजिए, क्योंकि मैंने पूरा डिटेल में अच्छे से बता दिया हूँ, ठीक है, पूरा सोल्यूशन के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और शेयर कर दिए प्लेलिस्ट को, आप लोग पूरा देख लीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ जितने भी है सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।